लीजिए। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जायाड़म, नमो लोये सव्यसाहूढ़म। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके अंदर करना यहाँ पे तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें सात तत्वों का वर्णन हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो गोपाल गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित है, जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों या अनेक प्रकार की जैन धर्म की परिभाषाओं के बारे में वर्णित है। उसका स्वरूप बताया गया है कि जैन धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है परिभाषाओं के माध्यम से। तो कल तक की कक्षा में हम सात तत्वों का स्वरूप जान चुके थे। आज एक बहुत नया स्वरूप, या कहें एक बहुत नई चीज हम जानने वाले हैं। जैसे कि थोड़े दिनों बाद आप सब लोग दर्शन करने जाएंगे, अभी तो मंदिर बंद है, लेकिन जब मंदिर खुल जाएंगे तो हम सब भगवान के दर्शन करने जाएंगे। तो जब मंदिर खुले और दर्शन करने जाएं, तो एक बार ये चीज देखना कि भगवान और हमारे में क्या अंतर है। जब भी भगवान के दर्शन करें, एक बार उसको इस दृष्टि से दर्शन करना कि भगवान और मेरे में वास्तव में क्या अंतर है। हमने प्रारंभ तो एक साथ ही किया था, हमारा प्रारंभ तो निगोद से ही हुआ था, वो भी निगोद से ही आए थे और हम भी निगोद से आए, हम दोनों का प्रारंभ एक जैसा हुआ। और उनका क्या हुआ, वे मुक्त हो गए और हम संसार में ही अटके रह गए। वो मोक्ष, उन्होंने सभी कर्मों का अभाव कर दिया, आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा पूर्वक उन्होंने मोक्ष प्रकट कर लिया और हम अनंत काल से संसार में ही हैं, और पता ही नहीं अभी भी अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे तो कितने काल तक संसार में ही रहने वाले हैं। ऐसा अंतर क्यों? प्रारंभ दोनों ने एक साथ किया था, उसके बावजूद भी दोनों में इतना अंतर। शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान बन गए, महावीर महावीर भगवान बन गए, ऋषभ देव आदिनाथ भगवान बन गए, और हम, हमारी गिनती कहाँ है? तो ऐसा क्या हुआ कि स्टार्टिंग हमने एक साथ की, उसके बावजूद भी वे भगवान है और हम भगवान नहीं है? तो ये है हमारी सात तत्व संबंधी भूलें। क्या उन्होंने भी सात तत्वों को जाना था और हमने भी सात तत्वों को जाना था, लेकिन उन्होंने सात तत्वों को जान के उसका सच्चा श्रद्धान किया था और हमने सात तत्वों को जान के उसका श्रद्धान नहीं किया था। इसी कारण हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। मतलब जानने में अंतर है। जानना एक होती है जानकारी प्राप्त करना और एक होता है जानना। क्या एक होती है जानकारी प्राप्त करना और एक होता है जानना? दोनों में अंतर क्या होता है? जानकारी प्राप्त करके उस पे श्रद्धा करें या ना करें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ज्ञान वो चीज होती है, अगर आपको उसका ज्ञान हो गया है तो आपको उसकी श्रद्धा भी होगी ही होगी। मतलब हमने सात तत्वों को जाना, पूर्व की कक्षा में आपने भी सात तत्वों को जान लिया। ऐसा नहीं है आपने पहली बार सात तत्वों को जाना है, आप अनादि काल पहले भी सात तत्वों को जानते थे। आप ऐसे संगी पंचेंद्रिय कितनी बार हुए हैं, आपने सात तत्वों के स्वरूप को समझा है, सात तत्वों की जानकारी ली है, लेकिन उसको, उस जानकारी को कभी ज्ञान में नहीं बदला, अर्थात कभी भी उसका श्रद्धान नहीं किया कि मैं जीव हूं। यही हम यहाँ पे आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं कि इन सात तत्व संबंधी भूलें क्या हैं। और ये सात तत्व संबंधी भूलें सात अलग अलग लोगों को नहीं होती, सात तत्व संबंधी भूलें एक ही जीव को होती है। क्या ऐसा नहीं है कि अजीव तत्व संबंधी भूल अजीव को होती होगी, आश्रव तत्व संबंधी भूल आश्रव को होती होगी, बंद तत्व संबंधी भूल बंद को होती होगी, या मोक्ष तत्व संबंधी भूल मोक्ष को होती होगी? ऐसा नहीं, सारी की सारी भूलें एकमात्र ये जीव ही करता है, सबका सच्चा स्वरूप नहीं समझता है।
और अपनी बुद्धि के अनुसार किसी को किसी में मिला के जानता है। इसी कारण हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है सात तत्व संबंधी भूलें। क्या होती है सात तत्व संबंधी भूल? भूल मतलब क्या होता है? भूल अर्थात अपनी गलती या हमारे समझने में जो मिस्टेक रह गई है। तत्व की परिभाषा, वस्तु जो उसका भाव हो वही वस्तु है, वही तत्व है। अर्थात तत्व और भाव, जो वस्तु का जो भाव है वही तत्व है, और हमने उस वस्तु को उसके भावों के हिसाब से नहीं जाना। हमने अपनी बुद्धि के अनुसार एक दूसरे को मिला दिया, इसके कारण हमें ये भूले होती हैं। देखिए आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे 126 नंबर का प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है, क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव इन तत्वों के संबंध में कैसी भूले करता है? क्या मिथ्या दृष्टि जीव इन तत्वों के संबंध में कैसी भूले करता है? मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये सात तत्व संबंधी भूलें सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होती है, ये मिथ्या दृष्टि जीवों को होती है। अर्थात जिनकी उल्टी मान्यता है उनको ही ये सात तत्व संबंधी भूले होती हैं। क्रम क्रम से एक एक तत्व संबंधी भूल हम जानते रहेंगे और अपने विषय को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए शब्द आपको मिलेगा तत्व, जीव तत्व संबंधी भूल या जीव तत्व की भूल। वास्तव में तो जीव तत्व संबंधी भूल है, लेकिन यहाँ पे लिखा जीव तत्व की भूल। वास्तव में जीव तत्व ने कोई भूल नहीं की है। आगे कहेंगे अजीव तत्व की भूल, अजीव तत्व ने कोई भूल नहीं की है। अजीव तत्व को हमने समझने में गलती की है, वही हमारी अजीव तत्व की भूल है। अजीव तत्व संबंधी इस जीव की भूल है, इसलिए आपको ऐसा समझना चाहिए। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला है जीव तत्व संबंधी भूल। बहुत मजा आने वाला है आज की कक्षा में, हम जीव तत्व की भूल और अजीव तत्व की भूल को जानने का प्रयास करेंगे। भवितव्यता अनुसार है कि पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम प्रारंभ करते हैं। देखिए जीव तत्व की भूल क्या लिखा, जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञान वश यह जीव नहीं जानता, और जो शरीर है वह मैं ही हूं, तथा शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं ऐसा मानता है। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है, बाह्य अनुकूल संयोग से मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोग से मैं दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है, ऐसा मानना ही जीव तत्व की भूल है। कितना बड़ा, बहुत सारा विषय हो गया। थोड़ा हम टुकड़ों में जानते हैं, पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं, तो हमें पूरा विषय क्लियर होगा। जीव तत्व की भूल बता रहे हैं कि हमने जीव तत्व को समझने में गलती क्या कर दी। वास्तव में कि जीव तत्व की भूल ऐसी है कि घर में हमारी खुद की निधि बैठी हुई है और उस निधि को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके सबके घर में खजाना छुपा हुआ है। क्या आपके सबके घर में खजाना छुपा हुआ है? थोड़े लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी कहाँ छुपा हुआ है, हमने तो आज तक देखा नहीं। आप बता दीजिए, क्या जमीन खोद के निकलेगा या दीवारें तोड़ के निकलेगा, छत को तोड़ना पड़ेगा? हमें तो खजाना चाहिए, लेकिन हम ऐसे खजाने की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आप सब में खजाना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप सब एक जीव तत्व हो, वो खजाना हम हैं, वो जड़, जड़ को हम खजाना नहीं कह रहे हैं। वो वास्तव में जड़ जड़ वस्तु है, वो धूल है, वो वास्तव में खजाना नहीं है। ये जीव तत्व है जो वास्तव में खजाने के रूप में, खान के रूप में आपके पास है, लेकिन हम उसको पहचान पाते नहीं है। यही जीव तत्व की भूल है। पहली पंक्ति देखिए, जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। पहली पंक्ति में परिभाषा बता दी वापसी, कि हम भटक ना जाएं अपने मार्ग से। इसलिए जीव का स्वरूप क्या है, जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञान वश यह जीव नहीं जानता। मतलब जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप ही है, चाहे हम उसे माने या ना माने। जीव अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। हम हो सकता है कि हम जीव के स्वरूप को वैसा नहीं मानते। हो सकता है हम मानते हो कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, ऐसी अनेक कल्पना हम कर सकते हैं अपने अज्ञान के वश होके। क्या अपनी अज्ञानता के वश होके हम ऐसी भूल कर सकते हैं? लेकिन वास्तव में जीव कैसा है, जीव तो वास्तव में त्रिकाल ज्ञान स्वरूप ही है, और जब तक उसको नहीं पहचानेंगे तब तक हमारी भूल मिटने वाली नहीं है। बहुत छोटा सा उदाहरण है आदरणीय दादा की पुस्तक का,
मैं स्वयं भगवान हूँ। बहुत बढ़िया उदाहरण है कि करोड़पति रिक्शे वाले का, आपने सुना है करोड़पति रिक्शे वाला, कि करोड़पति करोड़पति है और रिक्शे वाला है। बहुत मजेदार उदाहरण है, उसको समझेंगे और इसके माध्यम से पहचानेंगे कि हम जीव तत्व हैं। उस उदाहरण को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी कक्षाओं में लोग जुड़े हुए हैं वे सब प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की शक्ल देखना चाहता हूँ, बात यह है कि इंट्रैक्शन अच्छी हो पाती है। इसके कारण मैं कह रहा हूँ कि आप सब अपने कैमरा खोल लीजिए। अगर मैं अपनी आंख बंद करके पढ़ाने लग जाऊं या मुंह ढक लूं और फिर पढ़ाने लगूं तो आपको मजा नहीं आएगा, या अपना कैमरा बंद कर लूं तो मजा नहीं आएगा। तो सब लोग खोल लीजिए जिससे पता लगे कि कौन कितना जागृत है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कैमरा ओपन होगा तो हम पूरे अटेंशन के साथ बैठेंगे कि हमें सामने वाला कोई देख रहा है, और जब कैमरा खोलते नहीं है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आराम से अपने सुखासन में लेट के सुन रहे होंगे, कुछ काम करते हुए सुन रहे होंगे। लेकिन जब कैमरा खोलेंगे तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक, क्योंकि साथ साथ मैं भी आपको देख रहा हूँ और अन्य लोग भी आपको देख रहे हैं, तो पूरी जागृत अवस्था में हमें सुनना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। करोड़पति रिक्शे वाला, एक बार एक बहुत सेठ, करोड़पति सेठ, कैसा सेठ, एक करोड़पति सेठ के पास करोड़ रुपए थे और वो बहुत बीमार होने लग गया, बहुत तबीयत खराब होने लग गई। वे अस्पताल गया, अस्पताल में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ज्यादा आप दिन के मेहमान नहीं हो, आपका इलाज दवा से नहीं हो सकता, अब आपका इलाज दुआओं के माध्यम से हो तो हो, लेकिन दवाओं के आधार पे आपका इलाज नहीं हो सकता। ऐसा डॉक्टर ने कहा, उनको बहुत बुरा लगा कि अब मैं चला जाऊंगा, मेरे करोड़ रुपए का क्या होगा, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं उसका कौन संभालने वाला है। क्यों? क्योंकि उस करोड़पति सेठ का एक छोटा सा बच्चा था जो 5 साल का था, 5 साल का बच्चा था। उसने कहा कि मेरा बच्चा को कुछ समझ नहीं है, वो 5 साल का है, अभी अभी स्कूल जाना प्रारंभ किया है, कुछ जानता नहीं है, उसको इतनी सारी संपत्ति मिलेगी तो क्या होगा। वे बौखलाने लग गया, उसको पता लग गया कि उसके अंतिम दिन आने वाले हैं। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, एक वकील को बुलाया, वकील को बुला के उसने कहा कि जो ये 1 करोड़ रुपए हैं ये मैं अपने बैंक में जमा कराता हूँ, किसके नाम से, अपने बच्चे के नाम से। अपने बच्चे के नाम से उसने 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा दिए। 1 करोड़ रुपए जमा करा के कब तक के लिए, 20 साल की उसने FD बनवा दी। वो 5 साल का है और 20 साल की FD बना दी कि 25 साल बाद उसको वो पैसे मिलेंगे। किस दो लोगों को ये बात पता थी, उनके वकील को और उनके सगे संबंधियों को, या उन्हें सगे संबंधी उनके जो प्रिय मित्र थे उनको ये बात पता थी, औरों को कह दिया कि ये बात किसी को मत बताना कि मेरे बच्चे के पास 1 करोड़ रुपए हैं। थोड़े दिन बीते और पिताजी या सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब वो जो बच्चा था 2-3 साल तो बहुत ठेठ में जिया, क्योंकि अभी तो पिताजी के पास बहुत सारे पैसे थे, घर था, आराम से जिया। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही क्या पता लगता है कि सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, मकान भी बेच दिया गया है, कुछ उसके पास नहीं बचा है। अब ऐसी हालात आ गई है कि वो सड़क पे आ गया है, अब उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। फिर थोड़े दिनों बाद उसने भीख मांगनी चालू कर दी। क्या? थोड़े दिनों बाद उसने भीख मांगनी चालू कर दी, रोडों पे भीख मांगनी चालू कर दी। और उसके बाद थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया कि तब जब तुम इतने स्वस्थ हो, तुम्हारे हाथ पैर हैं, तो कुछ काम करो, भीख मांगते क्यों हो। तो उसने काम करना चालू किया और उसने रिक्शा चलाना चालू कर दी। बार बार स्टेशन के बाहर खड़े होके कि 20 रुपए में स्टेशन, 20 रुपए में स्टेशन, ऐसी बोली लगाने लग गया, ऐसे रेट बताने लग गया कि जो आए मेरे साथ बैठ के मैं उसको स्टेशन छोड़ने चलूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है, क्या रिक्शा चला रहा है, 20 रुपए की रिक्शा चलाता है कि 20 रुपए रहता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के, वो रिक्शे वाला जो चंद पैसों के लिए रिक्शा चला रहा है, क्या वो करोड़पति है? बताइए, क्या वो रिक्शे वाला करोड़पति है? बहुत कहेंगे कि हाँ करोड़पति है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हाँ वो करोड़पति है क्योंकि उसके पिताजी ने उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करा रखे हैं, लेकिन फिर से सवाल वही खड़ा हो जाता है, अगर वो 1 करोड़ रुपए का धारी है तो वो रिक्शा क्यों चलाता है? क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले तो करोड़, क्योंकि रिक्शे वाले कभी भी जो करोड़पति होते हैं वे कभी भी रिक्शा नहीं चलाते हैं। अब करोड़पति और रिक्शा चलाएंगे ऐसा तो नहीं, क्योंकि जितने भी हम करोड़पतियों को देखते हैं कोई गाड़ियों में घूमता है, किसी के बंगले दिखाई देते हैं, सब ठेठ बाट में जीते हैं, कोई भी रिक्शा नहीं चलाता। फिर से वही प्रश्न है कि
कि क्या वो करोड़पति है, वो रिक्शे वाला क्या करोड़पति है? आप कहोगे हाँ है, लेकिन फिर से वही प्रश्न है, अगर वो करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाता है? अगर रिक्शा चलाता है तो करोड़पति नहीं है, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति ऐसी है कि वो वास्तव में करोड़पति है तो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। ऐसी ही हमारे साथ स्थिति होती है कि हम ज्ञानवान हैं, हम भगवान आत्मा हैं, ऐसा हमें पता नहीं लगता, मतलब कि, और कब से है उस व्यक्ति के पास, उस छोटे से बच्चे के पास जो रिक्शा चला रहा है वो करोड़पति है, उसके बावजूद भी रिक्शा चला रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। ऐसी हमारे साथ है कि हम भगवान आत्मा हैं, हम ज्ञानवान हैं, लेकिन अपने अज्ञान के वश होके हमें पता नहीं है कि हमें इतनी सारी विभूति हमारे पास है, इतने सारे गुण अपने पास हैं, और हम क्या कर रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपनी आत्मा को भोगों को भोगने में लगा रहे हैं, मतलब कि भोगों में लिप्त करके रखा है, और वास्तव में वो भगवान आत्मा है जो 3 लोक का नाथ बनने वाली है। उस 3 लोक की आत्मा का हमने क्या दशा बना दी है कि इतनी बेकार दशा कि हम उसका कुछ बखान नहीं कर सकते। ये ऐसी स्थिति है कि एक व्यक्ति था, क्या एक व्यक्ति था जो टेलर था, क्या था, टेलर था, अर्थात सिलाई करता था। वो एक रास्ते से जा रहा था और उसको एक मिल गया हीरा। क्या मिल गया उसको? एक चमचमाता बहुत चमकदार एक हीरा मिला, और वो उसको घर में लेकर आ गया। उसको नहीं पता कि वो हीरा है, उसने तो समझा कि एक बहुत चमकदार चीज है, जिस चमकदार चीज का प्रयोग मैं करूंगा तो मुझे सारे काम आसान हो जाएंगे। अभी तक मुझे सुई में डोरा डालना पड़ता था, तो मोमबत्ती का इस्तेमाल करना पड़ता था, अब मेरे पास इतनी चमकदार चीज आ गई है, जिस चमकदार चीज का प्रयोग करके मैं जब चाहूं सुई में डोरा डाल सकता हूं। अब जब जब उसको टेलर का काम करना पड़े, वो बार बार उस कोहिनूर हीरे को लेकर आए और बार बार उससे प्रयोग करें। अब उससे को बताया, अब उसको कोई समझदार बताए कि भैया आपके पास एक ऐसी निधि है, आपके पास कोहिनूर हीरा है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो? वास्तव में उसको उसका ज्ञान नहीं है कि मेरे पास ऐसी निधि है। जिस समय उसको पता लग जाए कि मेरे पास ऐसी निधि है कि जिसका इस्तेमाल करके मैं करोड़पति हो सकता हूँ, वो उसको जानता नहीं है और छोटे छोटे कामों में लगा रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस समय उस टेलर को पता लग जाएगा कि मेरे पास एक ऐसी निधि है कि जिसके जो अमूल्य है, क्या कभी वो टेलर का काम करेगा? कभी वो किसी के कपड़े सिलेगा? नहीं, नहीं सिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में इसका कितना मूल्य है। ऐसे ही हमारे साथ है कि हम अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचानते नहीं हैं, उसको अन्य रूप समझते हैं, उसका सही मूल्य नहीं आंक पाते हैं। इसके कारण हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। वापसी आइए अपने रिक्शे वाले उदाहरण पे। वो रिक्शे वाला जिसको पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, वो दर दर की ठोकर खा रहा है। थोड़े साल बाद बीतता गया, रिक्शा चलाता गया, पैसे कमाता गया, अनेक बार ऐसे संकेत मिले कि तुम करोड़पति हो, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास, उसको श्रद्धा नहीं है कि वास्तव में मैं करोड़पति हूँ। जिस समय उसको पता लग जाए कि मैं करोड़पति हूँ, वो रिक्शा चलाना छोड़ देगा, कभी रिक्शा नहीं चलाएगा। किसी रिक्शे वाले को देखा है? तो कभी किसी करोड़पति को देखा जो रिक्शा चला के पैसे कमा रहा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो करोड़पति है। करोड़पति कभी भी रिक्शा नहीं चलाते हैं, अभी उसको पता नहीं है। थोड़े साल बाद जैसे ही वो थोड़ी उसकी उम्र बढ़ी, वो 25 साल का हुआ, उसकी FD मेच्योर हो गई, अब उसके पास 1 करोड़ रुपए आने वाले थे, तो बैंक वालों ने अखबार में इश्तिहार निकाले, बैंक वालों ने अखबार में छपवा दिया कि एक मुकेश जी हैं, सन ऑफ राजेश जी हैं, जिनके बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा है, जल्दी से आए और वो 1 करोड़ रुपए को ले लें, अगर वो 7 दिन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वो उनके सारे पैसे कहाँ चले जाएंगे, राज खजाने में चले जाएंगे। ऐसे अखबार में इश्तिहार निकाल दिए। अब क्या हुआ, उस व्यक्ति के हाथ में भी जो रिक्शा चलाता था, उसके हाथ में भी वो अखबार आया, उसने भी पढ़ा कि अरे ये तो मेरा नाम है, क्या मुकेश तो मेरा ही नाम है, अरे इसमें तो पिताजी का भी वही नाम है जो मेरे पिताजी का था, वही इसका नाम है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये यकीन नहीं हुआ कि ये मैं ही हूं।
उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अनेक सब कि देखो देखो मेरा अखबार, मेरा नाम अखबार में छपा है, और देखो जो इसका नाम, जो इसके पिता का नाम है वही मेरे पिता का नाम है, देखो मैं करोड़पति बन गया, आज के बाद कोई भी मुझे रिक्शा वाला नहीं बुलाएगा, क्यों? क्योंकि मैं करोड़पति बन चुका हूँ। लेकिन सब लोगों ने उसका मजाक बनाया कि तू भगवान बनेगा, कि तू करोड़पति बनेगा, तू तो रिक्शा चला, रिक्शा सपने देखे, दूसरा है मुकेश, तू नहीं है ये, हो सकता है तेरे पापा से नाम मिलता हो लेकिन ये कोई और मुकेश है, ये तू नहीं है। ऐसे हमारे साथ होता है, हमारे शास्त्र हमें चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, कण कण की स्वतंत्रता बताते हैं, आपको जीव तत्व बताते हैं, लेकिन हम उस बात को जुटला देते हैं कि मैं जीव हूं, नहीं मैं जीव नहीं हो सकता, मैं ज्ञानवान हूं, नहीं मैं ज्ञानवान नहीं हो सकता, कि आप स्वयं भगवान हो, नहीं मैं स्वयं भगवान हो ही नहीं सकता, ऐसी बात हम टाल देते हैं, जुटला देते हैं, ऐसी बात कि हम शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, जैसे उस व्यक्ति ने न्यूज़पेपर को पढ़ के भी ये नहीं जाना कि ये मैं हूं, ऐसे हमारे साथ है, हम अनेक शास्त्र पढ़ लेते हैं, अनेक शास्त्रों में ये पढ़ लेते हैं कि हमारी आत्मा ज्ञानवान है, उसके बावजूद भी ये निर्णय नहीं कर पाते कि जिस आत्मा की बात चल रही है वो मेरी आत्मा की बात चल रही है, उसी के कारण ये जीव तत्व संबंधी भूल होती है। थोड़ी और आगे चलिए, लोगों ने 4 दिन बीत चुके थे और 3 दिन बचे थे, तो अब बैंक वालों ने क्या किया कि इतनी बड़ी राशि है, अखबार से कोई भी लोग उनके पास नहीं आए, तो उन्होंने आकाशवाणी की, क्या रेडियो पे ये चीज निकला दी कि जो भी मुकेश नाम का व्यक्ति है, जिसके पिताजी का नाम राजेश है, वो जल्दी से आए और अपने 1 करोड़ रुपए लेके आए, 3 दिन शेष हैं, अगर नहीं आएगा तो सारा खजाना, सारा 1 करोड़ पैसा जो ब्याज के साथ था वो कहाँ चला जाएगा, राज खजाने में चला जाएगा। लेकिन अब तो बढ़िया है, आज के जमाने में रिक्शे वालों के पास भी रेडियो हुआ करते हैं, एंड्रॉइड फोन हुआ करते हैं, आजकल तो वो भी पेटीएम से पैसे लेने लग गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं। तो उस व्यक्ति ने भी क्या किया, उस व्यक्ति ने भी रेडियो पे सुना, आकाशवाणी के माध्यम से सुना कि क्या, कि इसमें मेरे नाम लिया जा रहा है, जो इसके पिता का नाम है वही मेरे पिता का नाम है, पिता का नाम है। उसने फिर अपने दोस्तों को इकट्ठे कर लिया, जितने भी इसके रिक्शे वालों की टोली थी, खुद मजे किए, खुद हंसी का पात्र बना, दूसरों को भी हंसाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये निर्णय नहीं किया कि जिस जो नाम दोहराया जा रहा है वो मैं ही हूं और कोई नहीं है। बात जुटला दी और बैंक नहीं गया। अब थोड़े दिनों बाद जैसे ही अंतिम दिन था, तो उसके मित्र आते हैं, पिताजी के मित्र आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम जो ये 1 करोड़ का इश्तिहार ये अखबार में निकला है, जो आकाशवाणी हो रही है, ये तुम ही हो और कोई दूसरा नहीं है। वो कहता है कि अभी तक तो दूसरे मेरा मजाक बनाते थे, अब आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं, आप तो मेरे पिता के समान है और अब आप मेरा भी मजाक बनाना चालू कर दिया कि मैं करोड़पति हूँ, ये कोई और होगा। उसके बाद भी उसको विश्वास नहीं हो रहा। उसके पिताजी के जो मित्र थे उन्होंने उसको मतलब कि कागज दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, देखो बेटा ये तुम्हारे पिता 1 करोड़ रुपए 20 साल पहले तुम्हारे नाम करके गए थे, आज वो 20 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने मुझे चुप रखा था, उन्होंने कहा था कि जब 20 साल पूरे हो जाएंगे, जब तू 25 साल का हो जाएगा तब ही बताना। और जब उस रिक्शे वाले को पता लगा कि अरे ये 1 करोड़ रुपया जो बैंक में जमा है वो तो मेरा ही जमा है और किसी का जमा नहीं है, जो ये पिता का नाम है वो मेरे ही पिता हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में जमा कराए थे, अब सोचिए उस समय उसको कैसा खुशी हो रही, कैसी खुशी हो रही होगी, ऐसी खुशी हो रही होगी जैसे पागल हो गया हो। अभी तक रिक्शा चला रहा था, 20 साल से दर दर की ढोकर खा रहा था, इधर उधर घूमता था, और जैसे ही उसको अपनी निधि मिल गई कि भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसने रिक्शा ली और दे के मारी और जल्दी से बैंक भागा और अपने 1 करोड़ जो ब्याज के साथ था उसने वास्तव में वो 1 करोड़ रुपए अपने साथ ले लिए। इस उदाहरण के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं ज्ञानवान हैं, लेकिन हमने अपने ज्ञानवान स्वरूप को आज तक पहचाना नहीं है। हमने शास्त्रों में पढ़ लिया, हमने बहुत प्रवचन सुन लिए, अनेक आचार्यों को सुन लिया, आचार्यों की बातों को सुन लिया, जिनवाणी की बात को सुन लिया, आकाशवाणी होती है ऐसी दिव्य ध्वनि है, ऐसी प्रवचन है, अनेक प्रवचनों में ये सुन लिया कि हम भगवान आत्मा है, मैं ज्ञानवान हूँ, उसके बावजूद भी इसको मात्र हंसी का खेल बना के रख दिया, लेकिन ये नहीं पहचाना कि ये वास्तव में ये मेरी बात चल रही है, ये कोई और नहीं है।
और जो अपने को नहीं पहचानता है तो समझना वो जीव तत्व की भूल करता है, जीव तत्व संबंधी भूल करता है। क्यों? क्योंकि मैं तो अनादि काल से ही कैसा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, उसके बावजूद भी अज्ञानवश मैं अपने को जीव नहीं जान पाता हूं। आगे क्या कहा? आगे लिखा, जो शरीर है वह मैं ही हूं। जीव तत्व संबंधी भूल क्या होती है? जीव का स्वरूप तो हमने देख लिया जो त्रिकाल स्वरूप हो, लेकिन हम अपने त्रिकाल स्वरूप को त्रिकाल स्वरूप समझते तो नहीं है। हमने अपने स्वरूप को समझ रखा है कि जो शरीर है वो ही मैं हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। हम अपने शरीर में इतने तन्मय हो गए हैं कि शरीर के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। लिखा है ना कि जो शरीर है वह ही मैं हूं, कि मतलब शरीर नाश होगा तो मैं नाश हूंगा, शरीर उत्पन्न होगा तो मैं उत्पन्न हूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोक्ष, मोक्ष आपकी कितनी एज हो गई है? माइक खोल के बताओ। मैं 12 वर्ष। आपकी बहन की एज कितनी हो गई है? नाइन ईयर। देखिए कितना सहज मैंने प्रश्न किया कि आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, और उम्र वास्तव में बताई किसकी गई? उम्र अपनी नहीं बताई, बताई गई शरीर की उम्र बताई गई। समझ में आया ये हमारी भूल क्या है? ऐसे में प्रश्न सबसे कर सकता था, सब लोगों से, जितने भी हैं, जितने लोगों से मैं ये पूछू कि आप कितने साल के हुए हैं, आप कितने साल के होंगे, किसी का उत्तर ऐसा नहीं आएगा कि भैया हमारी आयु तो अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहने वाले हैं। सबका उत्तर ये आता है कि शरीर की जितनी आयु है उतनी ही मेरी आयु है। शरीर गया, शरीर की आयु पूरी हुई तो मेरी आयु पूरी हो गई। ये क्या है कि हमने शरीर को अपना मान के रखा है। मोक्ष है ना, मोक्ष, मोक्ष 12 साल का नहीं है, वो अनादि से था और अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसे आप सब भी अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहने वाले हैं। जिसकी आयु हम बता रहे हैं वो शरीर है, वो हमारी आयु नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता में यही पड़ा है कि जो शरीर है वह ही मैं हूं। शरीर को कुछ होता है तो लगता है कि हमें कुछ हो गया। होता है आपके साथ? शरीर को चोट लगती है तो लग गया कि अरे राम मुझे क्या हो गया। उस समय हम एक बार भी ये भेद विज्ञान नहीं करते कि चोट किसको लगी है। चोट शरीर को लगी है, मुझे चोट नहीं लगती। जो शरीर है वह मैं ही हूं, तथा शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या? शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं। चलिए फिर से एक प्रश्न करता हूं। अब तो सबको पता लग गया कि कैसे प्रश्न किए जाएंगे, तब भी प्रश्न करता हूं। आप सब लोग अभी प्रवचन सुन रहे हैं? देखिए बहुत लोगों ने फिर से कैमरे बंद कर लिए, अब हम उनसे जान ही नहीं सकते कि वो प्रवचन सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो मैं सबसे, जितने लोगों ने कैमरा खोल रखा है वो बताइए, आप सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं अभी? कौन कौन सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं। चलिए सब सुन रहे हैं। ये क्या है हमारी? ये हमारी जीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि शरीर का कार्य है ये। शरीर प्रवचन सुन रहा है, ये कान प्रवचन सुन रहे हैं, हम प्रवचन सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो मात्र जानते देखते हैं, उसके उसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं हैं। आप सब लोगों ने खाना खा लिया? अभी भोजन हो गया आप सबका? नहीं नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं हुआ अभी आप सबका भोजन। कहते जीव तत्व की भूल की, कि जीव तत्व संबंधी भूल क्या होती है। तो एक सिंपल सा प्रश्न, क्या आप सब लोगों ने भोजन कर लिया है? फिर से वही प्रश्न। देखिए कोई भी मुंह से मत बोलिए, मुंह से बोलोगे तो सच पता लग जाएगा सबको। अगर नहीं किया हो तो अपने तक सब सीमित रखें, सब सीमंदर बन के रखें, अपनी बातों को अपने अंदर ही रखें। चलिए सबने भोजन कर लिया? चलिए कुछ लोग कह रहे हैं हम तो रात को खाते ही नहीं है। चलिए जो लोग, जिन लोगों ने भोजन नहीं किया है और जो लोग भोजन करने वाले हैं, और जो लोग बहुत मान से कह रहे हैं कि हम तो रात को खाते ही नहीं हैं, उन लोगों ने भी कौन सी भूल कर दी? उन लोगों ने भी जीव तत्व संबंधी भूल कर दी है। क्यों? क्योंकि जीव तो कभी खाता ही नहीं है। दिन में खाए चाहे रात में खाए, जीव का काम खाना है ही नहीं। ना जीव दिन में खाता है, ना जीव रात को खाता है। क्यों? क्योंकि जीव तो मात्र जानता देखता है, खाता कौन है? खाने का काम इस शरीर का है।
शरीर का परिणमन करता है खाने रूप, तो आहार वर्ण अंदर जाती हैं, वो आहार वर्ण आहार वर्ण में बदल जाते हैं, शरीर में परिणमन करा जाती है, अपनी आत्मा में उससे कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती है। मतलब क्या है, जिन जिन जो जो ये लोग सोचते हैं कि हम खाना खाते हैं, हम लोग दिन से खाना खाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सच्चे जैनी हैं, उन लोगों ने भी जीव तत्व संबंधी भूल कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर की क्रियाओं को मैं करता नहीं हूं। कितनी बड़ी बढ़िया पॉइंट कह रहे हैं। वो छोटी छोटी भूलें होती है ना, हमें लगता है कि हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो दिन से खाना खा लेते हैं, और लोग तो बहुत पाप करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि जीव तत्व संबंधी भूल कहती है कि शरीर के कार्य मैं कुछ कर सकता नहीं हूं। चलिए एक और प्रश्न, बहुत सिंपल सा प्रश्न। कौन कौन कल सुबह की कक्षा में जुड़ेगा? कौन कौन कल सुबह की कक्षा सुनने वाला है? अब लोग सब ऐसे न्यूट्रल हो गए हैं, कोई कुछ उत्तर देना नहीं चाह रहा, कुछ भी देंगे तो हम फंस जाएंगे, ऐसा सा हो रहा है। अब सब ज्ञानी हो चुके हैं कि कौन कौन कल के प्रवचन। देखिए अब प्रवचन में आप लोग नहीं आएंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी कल। कोई तो बोलिए एक बार, कोई तो मेरा साथ दो कि प्रवचन में हम आएंगे। कोई नहीं आएगा, चलिए ठीक है कोई नहीं आएगा, उसके बावजूद भी हम क्लास तो संचालित करेंगे ही। क्या है, आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, आपका मौन ही मुझे उत्तर बता रहा है कि हम क्लास में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आने का काम शरीर का है, शरीर का काम मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता नहीं हूँ। हाँ जी मोक्ष भैया, शरीर के निमित्त से जीव भी आता है। चलिए ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो आपने एक बहुत ऊंचे लेवल की बात कर दी कि शरीर आता है तो शरीर के निमित्त से जीव भी आ जाता है। अभी हम वो बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम सात तत्व संबंधी भूले हैं जो हमारी उल्टी मान्यता पड़ी हुई है कि हम मानते हैं कि मैं कक्षा को सुनता हूँ, मैं कक्षा में ज्वाइन हुआ हूँ तो मैं कक्षा को सुन रहा हूँ। ऐसा जो हमारा अभिमान है वो अभिमान टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में कक्षा सुनने का काम मैं नहीं करता हूँ, खाने बनाने का काम मैं नहीं करता हूँ, घर की सफाई मैं नहीं करता हूँ, मैं दुकान पे नहीं जाता हूँ, मैं क्लास को नहीं सुनता हूँ। मतलब जितने भी कार्य हैं, जितने भी शरीर आश्रित कार्य हैं, वो कभी जीव कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर एक भिन्न द्रव्य है और जीव एक भिन्न द्रव्य है। मतलब कि जो भी ये मानते हैं कि शरीर के कार्य मैं करता हूँ, समझना उनको जीव तत्व संबंधी भूले हैं। अब मैं आपसे कोई अगला प्रश्न नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता लग गया कि आप सब अब ज्ञानी हो चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ी आगे परीक्षा करेंगे आप लोगों की। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट, आज के समय में क्या, शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है। चलिए फिर से आप तैयार हो जाइए प्रश्न राउंड के लिए। क्या है प्रश्न आप लोगों के लिए, अभी आपको महामारी कोरोना हो जाए, COVID-19 हो जाए, क्या तो आप बीमार पड़ जाएंगे ना? आपको COVID-19 हो जाए, वो महामारी है जिससे इतने लोगों की मौत हो गई है, अब आप बीमार पड़ जाएंगे, अब आपको 14 दिन की जेल हो जाएगी, 14 दिन तक आपको घर में रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे ना? जल्दी कोई तो उत्तर बताइए, ये प्रश्न है मेरा। अभी महामारी मुझे बड़ी से बड़ी हो जाए, कैंसर हो जाए मुझे, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। हाँ जी दीपाली जी। भैया रोग तो शरीर को होता है, जीव को कभी कोई रोग हुआ ही नहीं है आज तक, रोग शरीर को ही होता है। आपको COVID-19 हो जाए तो आपको कोई डर तो नहीं है? नहीं भैया, अपना जैन धर्म हमें निडर होना सिखाता है, जो भी रोग है या परेशानी है वो शरीर की, अगर हम इसमें राग रखेंगे तो हमें डर लगेगा, राग नहीं रखेंगे तो डर नहीं लगेगा। चलिए अब तो बिल्कुल जैसे ज्ञानी जीवों का जो उत्तर होता है ऐसा उत्तर सामने से आ गया कि जो भी रोग होता है रोग शरीर में होता है, रोग तो मुझे स्पर्श ही नहीं करता है, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, ऐसी मान्यता हमारी बिल्कुल गलत है। शरीर के स्वस्थ रहने पे हमारे स्वस्थ रहने का कोई भी संबंध है ही नहीं। आप स्वस्थ रहते हो, आपकी आत्मा स्वस्थ रहती है आपके अनंत गुणों के कारण, हम स्वस्थ शरीर के कारण नहीं रहते हैं कि शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ, शरीर खराब है तो हम खराब है। हम अपने साथ तो ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति मरणासन हो अर्थात मरने वाला हो और उसको बता दिया जाए भैया तुम्हारा जैकपॉट लगा है, तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, वो मरणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है।
मतलब जो मरने वाला होता है वो भी पैसे के लालच में उठ खड़ा होता है, अपने सारी बीमारी को भूल जाता है, उसको लगता है कि वो ही मैं हूं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है, ये बात बिल्कुल झूठी है। कैसी? बिल्कुल झूठी है। शरीर स्वस्थ रहे उसका मेरा उससे मेरा कोई संबंध नहीं, शरीर बीमार रहे उससे मेरा कोई संबंध नहीं। अब आपको बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपके सामने आ जाए, उसके बावजूद भी आप इन भूलों को ध्यान रखना कि हमें ऐसी भूलें नहीं करनी है, हमें सम्यक दृष्टि बनना है। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी भूलें करते हैं, उनको लगता है कि शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ। अब आप आपके कभी भी सिर दर्द हो, आपके कभी भी कमर दर्द हो रहा हो, उस समय क्या विचारना कि जो दर्द हो रहा है वो शरीर के हो रहा है, मेरे तो कोई शरीर में दर्द होता ही नहीं है। आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट ऐसा है जिसपे बहुत विस्तार कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट अपने पास बहुत सारे हैं। क्या आगे क्या लिखा? बाह्य अनुकूल संयोग से मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोग से मैं दुखी। क्या बहुत बढ़िया पॉइंट कि बाह्य के अनुकूल संयोग मिल गए कि हमें बहुत सुख सामग्री मिल गई है तो हम अपने को सुखी मानने लग जाते हैं, और जब थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाती है तो हम अपने आप को दुखी मानने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा विचारिए, क्या वो दुख आप में आया है, क्या वो सुख आप में आया है? बहुत बढ़िया पंक्ति है श्रीमद राजचंद्र जी की, क्या कि लक्ष्मी बड़े अभिमान भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या हम लोगों का धन बढ़ा, धन के साथ मतलब हमारी लक्ष्मी बड़ी, हमारे घर में पैसा आया, हमारे पैसे के साथ साथ हमारा अभिमान भी बड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बताइए बड़ा क्या आपका धन, क्या आप में बड़ा है, क्या आपका अभिमान बड़ा है? आपका अभिमान धन से नहीं बढ़ता है, आपका अभिमान या आपका जो मान है, आपका जो अभिमान है वो आपके गुणों के कारण बढ़ता है। और हमने क्या मान जो जितना बड़े पैसे वाला दास के पास नहीं है, भी वे इतने सब लोग उनकी पूजा करते हैं, जो लोग पूजा कराना चाहते हैं अपनी उनकी कोई पूजा करता नहीं, और जो पूजा कराना नहीं चाहते उनकी पूजा होती है। उन लोगों की पूजा होती है, मतलब जो जिस चीज के इच्छुक नहीं है उनको वो सारी चीजें मिलती चली जाती हैं, और जो जिस चीज के इच्छुक है उनको कोई भी चीज नहीं मिलती है। यहाँ पे बहुत बढ़िया कि भाई अनुकूल संयोगों से मैं सुखी। मैं कह रहा हूँ अभी बहुत भरी गर्मी चल रही है, बहुत भयंकर गर्मी चल रही है, 50 डिग्री तक पहुंचने वाला है तापमान, थोड़ी थोड़ी राहत है, लेकिन जिन लोगों के घर में एसी है वो क्या समझते हैं, एसी चल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, थोड़ी ठंडक हवा आएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या ये क्या है भाई, ये अनुकूल संयोगों में अपने को सुखी मानना, ये क्या है? अगर वो एसी आपको सुखी करता है तो आप सर्दियों में क्यों नहीं चलाते हैं? हमारे साथ तो ऐसा है, हमारा मन इतनी जल्दी पलटता है, अभी गर्मियां हैं तो हमें एसी अच्छा लग रहा है, अभी बरसात आ जाएगी तो एसी बुरा लगने लगेगा, अभी सर्दियां आ जाएंगी तो फिर वो एसी बुरा लगने लग जाएगा। मतलब हम चाहते क्या है, एसी चलाना चाहते हैं या एसी बंद करना चाहते हैं, हमारा मन का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस एसी के माध्यम से मान रखा है कि एसी से सुख आता है और एसी से ही सुख जाता है। वास्तव में सुख नाम की वस्तु एसी में नहीं है, सुख नाम की वस्तु आप में है, लेकिन आपने फिर से जो बहुत पहले कहा था कि हमने अपने सुख का रिमोट दूसरे के हाथ में थमा रखा है कि दूसरा वस्तु कैसी कंट्रोल कर रही है, सामने वाला वस्तु हमें जितना सुख देगा तो हम सुखी हो पाएंगे, अगर वो सुख नहीं दे पाएगा तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आज की डेट में मोबाइल, क्या हम मान रहे हैं कि मोबाइल से हम सुखी हैं? सोच के देखिए, आपकी जिंदगी में अभी मोबाइल नहीं होता तो सोच के देखिए, एक बार कल्पना करके देखिए, अभी इस समय में आपके पास मोबाइल नहीं होता तो क्या होता? बहुत लोगों का उत्तर होता हमारे काम नहीं चलते, हम दुखी हो जाते, हम परेशान हो जाते, लेकिन एक बार विचारिए, आप दुखी उस मोबाइल की वजह से नहीं हुए, आपका मोबाइल से इतना राग था कि जब वो उस इतने राग आपको उस मोबाइल के कारण हो गया था कि जब उसका वियोग होता हुआ नजर आता है तो ऐसा लगता है कि मेरा वियोग हो गया है।
मतलब वस्तु के वियोग में अपने वियोग की कामना करना, ये क्या है? जीव तत्व संबंधी भूले हैं जो यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे कह रहे हैं, मैं दुखी, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ। जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें जीव तत्व संबंधी भूल होती है कि मैं संभव हूँ, कि मैं मोक्ष हूँ, कि मोक्ष मोक्ष है। मतलब जितने भी क्लास में लोग बैठे हैं सब अपने को क्या माने कि मैं हूँ। मतलब मैं जीव नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं मोक्ष हूँ, मैं संभव हूँ, मैं मुकेश हूँ, मैं सुरेश हूँ। अपने को इस रूप माने तो समझना हमने अपना स्वरूप नहीं जाना है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही, हम अपने को मानते हैं कि मैं कुरूप हूँ। क्या? मैं कुरूप हूँ। वास्तव में कुरूप क्या है? कुरूप क्या है? कुरूप वास्तव में शरीर है, मैं कुरूप नहीं हूँ। लेकिन हमने क्या मान रखा है कि शरीर कुरूप है तो मैं कुरूप हूँ, मैं गंदा दिखता हूँ। आजकल लोग जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं ना, हमने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, माइकल जैक्सन जो एमजे के नाम से चलता है, वो एमजे जो माइकल जैक्सन है उसको शरीर अपना पसंद नहीं आता था तो कितनी बार उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी कराई कि उसके घर वाले उसको पहचान नहीं पाते। वो शुरू में इतना काला था, क्या शुरू में आप उसकी बचपन की फोटो देखोगे तो इतना काला, इतना गाला, और जब उसके मरने की अवस्था देखोगे आप कहोगे ये व्यक्ति तो कोई और है, ये तो वो है ही नहीं, उसने इतनी प्लास्टिक सर्जरी कराई। क्यों? क्योंकि वो अपने को समझता था कि मैं कुरूप हूँ, मैं बहुत गंदा दिखता हूँ। आजकल लोग अपनी सर्जरी करा लेते हैं, लिप्स की सर्जरी, कि हमें अपने होठ अच्छे नहीं लग रहे हैं तो होठों को बदल लेते हैं, अपनी नाक का साइज अच्छा नहीं लग रहा तो नाक को बदल लेते हैं, ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। न्यूज़पेपर में एक बार आया था, एक व्यक्ति को अपनी नाक पसंद नहीं आई, सच्ची खबर है, एक व्यक्ति को अपनी नाक खबर नहीं आई तो नाक पसंद नहीं आई तो उसने एक नाक अपनी सिर पे उगवाई, उसने नाक सिर पे अपनी उगवाई और उसने उस नाक को हटवा के उस नाक को अपने यहाँ लगवा लिया। क्यों? ये क्या है? जब हम अपने को कुरूप मानते हैं तो हम शरीर में ही तन्मय हो जाते हैं और पूरा जीवन हम शरीर में ही व्यतीत कर देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की शादी होनी हो, एक अब लड़का जवान हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है, उसके पास दो ऑप्शन है। क्या? उसके पास दो ऑप्शन है कि एक है, एक ऐसी लड़की जो बहुत सुंदर है। क्या? पूरी बात सुनना, देखना। एक लड़का जिसकी शादी होने वाली है उसके पास दो ऑप्शन है, एक लड़की तो बहुत सुंदर है और एक लड़की जो बहुत गंदी दिखती है, जो बहुत कुरूप है। अब आप बताइए वो लड़का किससे शादी करेगा, जो बहुत सुंदर दिखती है या जो बहुत गंदी दिखती है, बहुत कुरूप दिखती है? एक बार अगर बोलिए, कुछ तो बोलिए, किससे शादी करेगा? अच्छी वाली से शादी करेगा जो बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन पूरा उदाहरण सुनिए, अभी अभी उदाहरण खत्म नहीं हुआ। क्या बात है? जो बहुत सुंदर दिखने में है उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये वो दूसरों पे चिल्लाती है, सबसे काम करवाना चाहती है, किसी की सुनती नहीं है, दुर्व्यवहार करती है। और एक जो बहुत गंदी दिखती है लेकिन उसका आचरण अच्छा है, वो उसका अच्छा आचार है, सबकी सुनती है, उसका मेल मिलाप अच्छा है, सबसे अच्छी तरह बोलती है। अब आप बताइए शादी किसके साथ करेगा, वो जो अच्छी दिखती है या जो गंदी दिखती है? अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इस समय में हम उसके गुणों से पहचान करेंगे कि उसके गुण कैसे हैं। बहुत बार ऐसा जगत में कहा जाता है कि सुंदरता को क्या करेंगे, सुंदरता को चाटेंगे क्या? सुंदरता नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें? तो गुण चाहिए। गुण जिसके अच्छे होंगे, रूप कितना भी अच्छा हो लेकिन अंतरंग में लड़ाई चलती रहे तो क्या मतलब। ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं, हम इस शरीर को क्यों देख रहे हैं? शरीर कुरूप है, शरीर स्वरूप है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके अंतरंग के गुण मैटर करते हैं कि वो कैसा है। आप कैसे भी दिखते हो, आप बहुत मोटे हो गए हैं, कुछ लोगों को गम है कि पहले हमने अपना वजन बहुत कम कर लिया था और अब हमने अपने को कांटे पे नापा तो हम इतने मोटे हो गए हैं। ये क्या है, ये क्या है? अब क्या है, बार बार प्रयास चल रहा है कि जैसे हम पहले पतले थे हम वापसी वैसे पतले हो जाएं, खाने में डाइटिंग चालू करो। ये सब क्या है? ये सब हमने अपने को मान रखा है कि हम ऐसे हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं। लेकिन हमने आज तक अपने को कि मैं जीव हूं ऐसा माना नहीं है। इसी कारण हमारी जीव तत्व संबंधी भूल होती है और हम समझने लग जाते हैं कि हम बहुत गंदे हैं। आगे क्या कहा, आखिरी लक्षण, आखिरी लक्षण बताया कि शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है। बहुत बढ़िया पॉइंट, मर्म। आखिरी पॉइंट में तो जैसे मर्म भर दिया हो ऐसी बात है। क्या बात कर दी यहाँ पे,
कि शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत मानता है। आप सब लोग उपवास करते हैं ना, 10 लक्षण पर्व आते हैं तो सब अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करते होंगे। कोई एक समय भोजन ग्रहण करता होगा, कोई एक समय भी नहीं करता होगा, किसी का निर्जल व्रत रहता होगा, सबका रहता होगा, सब उपवास करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आप उपवास करते हैं ना, वो उपवास मैं नहीं करता हूँ, वो उपवास शरीर करता है। कुछ लोगों को ये अभिमान होने लग जाता है कि मैं उपवास करता हूँ, और उपवास करने से बड़ा होता है। आजकल लोग उपवास करते हैं और लोगों की कहते ना, जैसे जलूस निकाला जाता है कि इन लोगों ने 10 व्रत रखे, इन्होंने 10 दिन भोजन नहीं किया, 10 लक्षण पर्व में निर्जल व्रत रखा है, इसीलिए ये व्यक्ति बहुत महान है। महान कभी भी व्रतों को रखने से महान नहीं होते। अगर आपने उपवास में भोजन को छोड़ा है तो साथ साथ अपने व्यापार को भी छोड़िए। हमारे साथ क्या होता है, हम भोजन को तो छोड़ देते हैं लेकिन अपने व्यापार को नहीं छोड़ते। उसी के साथ साथ अपने मोबाइल को छोड़िए, अपने टीवी को छोड़िए। हम क्या समझते हैं कि मात्र उपवास करने से हमारा धर्म हो चुका है, हमने बहुत सारा काम कर लिया। लेकिन हम देखते हैं जो व्यक्ति उपवास करते हैं वो हर समय दुकान पे बैठे रहते हैं, ये हर समय लेटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपवास किया है, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अगर ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे। लेकिन सोचिए, उपवास क्यों किया था? उपवास किया था जिससे अधिक स्वाध्याय कर पाए, अधिक से अधिक अपनी आत्मा को समय दे पाए, आत्मा को जानने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने उपवास मात्र रिकॉर्ड बनाने के लिए किया कि पिछले साल 10 लक्षण पर्व आए थे और मैंने 8 दिन निर्जल व्रत रखा था, इस बार मैं 10 दिन निर्जल व्रत रख के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये क्या है, हमने शरीर की क्रियाओं में अपनी क्रियाओं को मान रखा है कि ये कार्य मैं करता हूं। लेकिन एक बार विचारे कि वास्तव में मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं। उससे पहले ये विचारे कि मैं क्या कर सकता हूं। करने की बात तो बहुत दूर की है, पहले ये विचारे क्या कर भी सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो कीजिए, लेकिन कर सकता नहीं है लेकिन मान्यता ऐसी रखता है कि मैं करता हूं। और एक और शब्द दिया था, उपदेश, शरीर आश्रित उपदेश क्रियाओं में निजत करना, कि मैं उपदेश देता हूं, कि मैं किसी को समझाता हूं। मुनिराज ऐसा घमंड करने लग जाए कि मैं सबको समझाता हूं, मैं नहीं होता तो किसी का कल्याण नहीं होता। मुनिराजों को ऐसा घमंड होता है? नहीं होता। अगर मुनिराज ऐसे घमंड करना चालू कर दे तो उन्हें भी जीव तत्व संबंधी भूल हो जाए, उनका गुणस्थान गिर जाए, लेकिन उनको ऐसे विचार नहीं आते। दिव्य ध्वनि में जो भगवान बैठ के दिव्य ध्वनि से सबको लाभान्वित कर रहे हैं, वो ऐसा विचारने लग जाए कि लाखों जीवों का उपकार मैं करता हूं, अगर मैं ना हूं तो लाखों जीवों का उपकार ना हो, किसी को जिनवाणी ना मिले, देखो मैं कितना महान हूं। उन्होंने कौन सी तत्व संबंधी भूल की? उन्होंने जीव तत्व संबंधी भूल की, कि उन्होंने समझ लिया कि उपदेश आदि मैं देता हूं। लेकिन उनको कोई भूल नहीं है, ना उनकी ऐसी मान्यता है, लेकिन हमारी मान्यता ऐसी है कि छोटे छोटे कामों में अपने कर्तृत्व का बोझ इतना चढ़ जाता है कि ऐसा लगता है छोटे छोटे काम मैं करता हूं। हमारे कर्तृत्व की भावना तो ऐसी है कि एक कंपनी में 100 लोग हो, एक कंपनी में 100 लोग काम करते हैं और अंत में पुरस्कार मिलना, किसी को पुरस्कार मिले तो हम चाहें कि हमें पुरस्कार मिले और किसी को पुरस्कार ना मिले, क्योंकि सारा काम तो मैंने किया है। मतलब कि हम दूसरे का काम भी छीनना चाहते हैं, दूसरे का बोझ भी अपने सिर पे लेना चाहते हैं, कर्तृत्व के बोझ में इतने दबे जाते हैं कि सामने वाले के कुछ दिखता ही नहीं। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। जैन दर्शन में किसी को कर्ता नहीं बताया जाता, जीव कुछ करता ही नहीं है। क्या जीव कुछ नहीं करता? जानता देखता नहीं है, जानता देखता है वो उसका स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वो किया नहीं जाता, वो होता है, अंतर है। जो चीज की जाती है वो थोड़ा प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको जानने देखने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप सोच सोच के जानते नहीं हो कि मैं किसको जानू और किसको नहीं जानू। आप सोच सोच के किसी वस्तु को देखते नहीं हो कि मैं किसको जानू और किसको नहीं, क्योंकि ज्ञान दर्शन तो अपना स्वभाव है। हम जिन वस्तुओं को देखना नहीं चाहते वो भी हमें दिख जाती है, जिन वस्तुओं को हम विचारना नहीं चाहते वो विचार में आ जाते हैं। ये क्या है? क्योंकि जानना देखना अपना स्वभाव है, स्वभाव को किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो अपना नहीं होता। तो जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं, अगर हम ऐसा माने कि उनको मैं करता हूं, तो समझना हमने जीव तत्व संबंधी भूल की है। अब देखिए, प्रतिज्ञा तो ऐसी की थी कि अजीव तत्व की भूल भी समझेंगे, लेकिन जीव तत्व संबंधी भूल ही इतनी बड़ी है कि जीव ने इतनी भारी भारी गलतियां कर रखी है कि उनको समझाने में एक कक्षा चली गई। एक कक्षा तो बहुत कम है। बात करें तो जीवों की भूल गिनाना चाहें तो कितनी भूल उसने कर रखी है, तो इसलिए एक कक्षा तो बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी कल की कक्षा में हम
अजीव तत्व की भूल देखने का प्रयास करेंगे और अगर समय मिला तो आगे भी अपने विषय को बढ़ाएंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो इसके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, जीव तत्व संबंधी भूल के विषय में। जिनको भी प्रश्न है वो अपना माइक खोल दीजिए। मेरा एक प्रश्न है, ये पहली तो जैसे हमने बात करी कि जीव का काम है देखना जानना, जानना समझना, तो जानने के लिए उसका कहां से जानेगा जीव? शरीर के थ्रू ही जानेगा ना उसको, वो कहां से, इंद्रिय तो है नहीं जीव के पास। बहुत बढ़िया, कि जीव जानेगा कहां से, इंद्रियों के माध्यम से तो जानेगा। तो देखिए शब्दों में ही है कि इंद्रियों के माध्यम से जानेगा, इंद्रियों से नहीं जानेगा। क्या? इंद्रियों के माध्यम से जानेगा, इंद्रियों से नहीं जानेगा। ये तो निमित है हमें जानने में। हमारे भगवान जो सिद्ध भगवान है उनको कोई इंद्रियां नहीं है, उनको कोई शरीर नहीं है, उनको चक्षु इंद्रिय नहीं है। चक्षु इंद्रिय नहीं होने के बावजूद भी उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है जानना देखना। इंद्रियां तो हमारी विकार है, हमने पूर्व में ऐसे पाप किए थे, या कहें कि कर्मों का ऐसा है कि शरीर अवस्था में आया और हमारा जानना देखना इनके माध्यम से हो रहा है। और ये भी एक देश है, हमने पहले चर्चा की थी कि हम आग बंद करते हैं उसके बावजूद भी हमें ज्ञान होता है। जिस समय हम ज्ञान की महिमा गाएंगे कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान की महिमा अलग गाई गई है जिनागम में, कि हम आंखों के माध्यम से नहीं देखते, हम कानों के माध्यम से नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो मात्र निमित्त है उसको जानने में, वास्तव में उसकी सहायता करने वाले हैं, उसके माध्यम से ही जानते हैं ऐसी बात नहीं है, उसके माध्यम से भी जानते हैं ऐसी बात है। नहीं, उसके माध्यम से ही जानते हैं, उसके माध्यम से भी तो नहीं, अगर नहीं है शरीर तो जीव को कहां से ज्ञान और दर्शन होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि शरीर, हम क्या समझने रखा, हमने क्या समझ रखा है कि शरीर से ही ज्ञान होता है, कि शरीर है तो हमें ज्ञान हो रहा है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जिनके शरीर नहीं है उनको भी तो ज्ञान हो रहा है। सिद्ध भगवान के कोई शरीर नहीं है, उसके बावजूद भी वो अनंत ज्ञान के धारी हैं, सब कुछ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनकी अतिंद्रिय है। वो कैसे है? उनके पास कोई इंद्रिय नहीं है, वो अनिंद्रिय है, मतलब बिना इंद्रियों के भी उनका जानने देखने का व्यापार चलता है। वही तो ये जीव का स्वभाव है, मतलब इनके माध्यम से हमारा जानना हो रहा है, लेकिन अगर ये हमारे भी नहीं होते उसके बावजूद भी हम जानने देखने का काम जरूर करते। जैसे कि निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव के चक्षु इंद्रिय नहीं है, लेकिन क्या उसका जानना देखना बंद हो गया? नहीं। अगर जानना देखना बंद हो जाए तो जड़ हो जाएगा। जिस समय उसने जानना देखना बंद कर दिया वो जड़। जानना देखने का मतलब ये नहीं कि देखना आंखों के माध्यम से देखना, जानना कि अपने दिमाग के माध्यम से जानना, ये मत समझना। जानना देखना क्या है? वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। देखना वो दर्शनोपयोग और जानना वो ज्ञानोपयोग, आंखों के माध्यम से। इसलिए जानना देखना नहीं होता। जानने देखने शब्द का हम प्रयोग आंखों के रूप में करेंगे तो हमें अर्थ गलत समझ में आएगा। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? एक दूसरा प्रश्न है। हाँ जी। शरीर की अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो क्या ये प्रैक्टिकल है? जैसे कोरोना का एग्जांपल दिया, अगर हम नहीं ये मान के हमारे शरीर को कुछ नहीं होगा, हम तो जीव हैं, तो हमारा तबलीगी जमात वाला हिसाब हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने कहा कि हम अपने शरीर को नहीं संभालेंगे तो हमारी हालत तो उन्हीं की तरह हो जाएगी जो बाहर कोरोना फैला रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हम ऐसी कह ही नहीं रहे हैं। ज्ञानी जीव भी, उनको ज्ञानी जीव को भय नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे कि आ बैल मुझे मार, ऐसे वाली परिस्थिति। वे भी अपने घर में बैठेंगे, लेकिन उनकी मान्यता ऐसी है कि शेर अगर मुझे कुछ कर भी देगा लेकिन वो शरीर को करेगा, मुझे नहीं करेगा। ऐसी हम कह रहे हैं, आपकी मान्यता की बात चल रही है। हमें भी कोरोना है, बाहर कोरोना है, तो हम भी पूरी प्रिकॉशन रखेंगे कि बाहर पूरा कपड़े वपड़े बांध के जाएं कि हमें कहीं COVID-19 ना हो जाए, हमें हम बीमार ना हो जाए। ज्ञानी जीव भी पूरी देख रेख रखेंगे, लेकिन उनकी मान्यता ऐसी है कि कोरोना मुझे हो भी जाए तो कोरोना मुझे नहीं होता, कोरोना शरीर को होता है। मान्यता की बात है। ये सात तत्व संबंधी बातें जो हम कर रहे हैं वो मान्यता के ऊपर बेस्ड है, हमारी श्रद्धा के ऊपर बेस्ड है। हम क्या कर रहे हैं वो बात नहीं है,
ऐसा नहीं हम बाहर निकल लें, घूमने निकल जाएं, स्वच्छंदी होने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर ये अलग हो गया कि जिस चीज को मैं मानता हूँ लेकिन उसको मैं करता नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल अलग है, हमारी मान्यता में क्या और हम करते क्या है। हम अगर हम चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों को देखें, क्या चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों को देखें उनकी मान्यता कैसी होती है। आपने भरत चक्रवर्ती के बारे में सुना होगा, भरत चक्रवर्ती के पास क्या कुछ नहीं था, 96,000 रानियां, इतनी बड़ी सेना जिसके साथ युद्ध करने भी गए वो, क्योंकि जब 6 खंड जीतने जाएंगे तो 6 खंड में सबको जीतना भी पड़ेगा, सब कुछ उन्होंने युद्ध वुद्ध सब किया, उसके बावजूद भी वह सम्यक दृष्टि जीव। अब बताइए उनकी मान्यता कैसी है, एक तरफ वो युद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि है। अब आप बताइए क्या सम्यक दृष्टि युद्ध करते होंगे। उनकी मान्यता में है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को मार नहीं सकता हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता है, लेकिन उनकी मान्यता ऐसी है। जैसे जैसे हमारी भूमिका बढ़ती जाएगी ना, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे हमारी भूमिका बढ़ती जाएगी हमारा ऐसा टाइम आएगा कि हमें कुछ भी ऐसा लगने वाला नहीं है। अभी हमारी भूमिका कैसी है कि हमारा श्रद्धांत तो होगा लेकिन वैसा क्रियाओं में नहीं आएगा। चौथे गुणस्थानवर्ती का स्वरूप ही ऐसा होता है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव हमें मिथ्या दृष्टि लगेगा, सारी क्रियाएं उसकी मिथ्या दृष्टि जैसी होंगी, लेकिन पहले गुणस्थानवर्ती जीव में और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों एक जैसे कार्य करते हुए नजर आएंगे, उसके बावजूद भी एक की मान्यता उल्टी है और एक की मान्यता सच्ची है। ये अपने माइंड में हमारी मान्यता है कि हम उसको कैसा जानते हैं। आपका समाधान हुआ कुछ नहीं? ये वही है, मानना और उसको काम करना, क्योंकि अगर मैं कहूं तो मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रखूंगा, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला हूं। हम ऐसा कह भी नहीं रहे हैं, हमारे मुनिराज भी अपने शरीर का पूरा उचित ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है हमारे मुनिराज ख्याल नहीं रखते। मुनिराज दिन में एक बार आहार करते हैं तो शरीर की स्थिति बनाने के लिए ही आहार करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुनिराज को अपने शरीर की कुछ फिक्र ही नहीं है। शरीर अगर शिथिल पड़ जाएगा तो वे अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे, उनका उपयोग बार बार शरीर की ओर जाएगा, तो वे भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वे भी आहार करते हैं, वे भी व्यायाम करते हैं, सब क्रियाएं वे भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये विचारते हैं कि ये क्रिया मैं नहीं करता। यहाँ पे करने धरने की बात चली नहीं रही है, बात मान्यता की चल रही है, मानते क्या है। आप सब कुछ करो, आप मंदिर जाओ, आप प्रवचन सुनो, आप भोजन करो, लेकिन मान्यता क्या रखो कि मैं भोजन नहीं करता हूं। हमारी मान्यता क्या है, इधर मान्यता पे फोकस किया जा रहा है। हम मानते हैं कि मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, कि मैं स्वस्थ हूंगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पेट तो भर जाएगा, लेकिन पेट भरने से आप बताइए आप में क्या बढ़ा, आप में तो कुछ नहीं बढ़ा, आपके गुणों में कितनी बढ़ोतरी हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हम यहाँ पे मान्यता की बात कर रहे हैं कि हमारी मान्यता कैसी होती है। क्रियाएं तो वैसी करेंगे ही, शरीर का ध्यान रखना है, ये नहीं कह रहे कि आप आज के बाद प्रवचन सुन लिया, अब आप घर के बाहर निकल जाए, अब मुझे कोरोना कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हमने जीव तत्व समझ लिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मान्यता रखनी है ऐसी कि कुछ भी शरीर में कितनी बीमारी आ जाए वो मुझे कुछ कर सकती नहीं है, जीव तत्व को कुछ नहीं कर सकती, ऐसी मान्यता। चलिए आपके प्रश्न का समाधान हुआ तो अगले प्रश्न में चलते हैं। बोलिए मोक्ष भैया, आज मेरी बहन आराध्या भजन गाना चाहती है। चल एक बार फिर से बोलिए मोक्ष भैया, आज मेरी बहन आराध्या भजन गाना चाहती है। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों गाइए। नष्ट हो पाप उदय में आवे, ये जीव कहीं भी जाए न साता पावे। जब पुण्य नष्ट हो पाप उदय में आवे, ये जीव कहीं भी जाए न साता पावे। बहुत बढ़िया भजन, पुण्य पाप के ऊपर आधारित गाया, बहुत बढ़िया भजन, दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, सब एक बार तालियां बजाते दोनों के लिए, बहुत बढ़िया भजन गाया।
आपका आप कोई प्रश्न हो तो आप अभी प्रश्न पूछ सकते हैं विषय संबंधित। चलिए सब तैयार है फिर जीव तत्व की भूल को मिटाने के लिए, जीव तत्व संबंधी भूल को मिटाने के लिए। तो हम अब इस संकल्प ले रहे हैं कि हमें जीव तत्व संबंधी भूल जो हमारी उल्टी मान्यता है हम उसको मिटाएंगे और तभी हम सम्यक दृष्टि हो पाएंगे। तो हम सब शीर गतिशील सम्यक दृष्टि हो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी। अभी नौ बार नमोकार मंत्र।